नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। भारतीय इतिहास के एक और पन्ने से आज रूबरू होंगे, जो आज हम पढ़ने वाले मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, पेशवास के बारे में पढ़ेंगे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे और कल्चर पढ़ेंगे और डाउनफॉल ऑफ मराठास पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए, मराठास ने जो रूल किया था 1627 से लेकर 1828 तक मराठास ने इंडिया पे रूल किया था और काफ़ी इनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है औरंगजेब के साथ में भी। तो किंग के बारे में बात करते हैं, उससे पहले मराठास के एक बेसिक चीज़ बात करते हैं, क्योंकि मराठी लोग अपना लैंग्वेज कभी नहीं छोड़ते। लैंग्वेज तो कोई भी अपना नहीं छोड़ता, बट ये अपना एक लैंग्वेज चलाते थे, मराठी लैंग्वेज ये यूज़ करते थे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। और इनका जो स्क्रिप्ट होता है मराठी लैंग्वेज का, वो मोडी स्क्रिप्ट होता है। और ये क्वेश्चन जो है BPSC ने पूछा हुआ है कि मराठी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या है, तो वो मोडी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो मराठा का किंगडम के फाउंडर जो होते हैं 1627 से लेकर 1680 के बीच में रहते हैं शिवाजी, जो एक फाउंडर होते हैं। ये कहाँ पैदा होते हैं, ये 1627 में सिवनेर में पैदा होते हैं। इनके फादर का नाम शाहजी भोसले होती है और इनके मदर का नाम जो है जीजाबाई होती है। आप इससे आप काफ़ी रूबरू होंगे इस चीज़ से। इनको जागीर मिलता है, यानी कि इनके पिता जागीरदार होते हैं, तो इनको जागीर जमीन मिलता है पूना के अंदर 1627 के अंदर। और ये औरंगजेब से काफ़ी अच्छा खासा फाइट करते हैं और उनसे जीतने की भी कोशिश करते हैं। फाइट करते करते इन्होंने ट्रीटी साइन की, जिसको कहते हैं 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर की संधि, जो कि शिवाजी की तरफ से राजा जयसिंह के द्वारा और औरंगजेब की साइड से डेक्कन का जो उस समय में राजा था, राजा का नाम था, मैं बता रहा हूँ आपको, सैद खान कुछ नाम था, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिए, औरंगजेब के साइड से था। तो इन लोगों ने पुरंदर में ट्रीटी साइन किया। इस ट्रीटी में क्या था कि 12 जो फोर्ट है वो कौन रखेगा, तो शिवाजी रखेंगे, और बाकी जो 42 फोर्ट है उस 42 फोर्ट को औरंगजेब को दे दिया जाएगा, इस ट्रीटी के अंदर कहा गया था। शिवाजी ने अपनी कैपिटल बनाया था रायगढ़ को, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है 1674 में। और ये जब इनकी मृत्यु हुई तो 1680 में इनकी मृत्यु हुई। इनके मृत्यु के पश्चात इनके जो बेटे हैं वो आते हैं, जिनका नाम सांभाजी होता है, वो गद्दी संभालते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है और इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन रूल वगैरह क्या था मराठों के अंदर। देखिए, तो मराठे एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी रोल रहता है भारतीय इतिहास में, इसके बारे में आपको रूबरू होना चाहिए और आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला होगा कि मराठा के अंदर और शिवाजी के अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें मराठास के अंदर तो कहाँ से कहाँ तक था, तो ये महाराष्ट्र में भी इनका कब्जा था, कर्नाटिक जो रीजन है, जो आज का कर्नाटका है, और टीपू का जो मैसूर का एरिया है वहाँ पर इनका जो दबदबा था, और तमिलनाडु रीजन जो है वहाँ तक इनकी एक्सटेंशन था। इनका मानना था किंग को एट अ सेंटर होना चाहिए, ठीक, और उसको जो लेड करता था किंग, जो जिनको लेड करता था वो कहलाता था अष्ट प्रधान सिस्टम, यानी कि किंग जो है 8 लोगों को लेड करता था। ये यहाँ पर किंग हो गया, राइट, और किंग जो है यहाँ पर 8 लोगों को लेड करता था, ये जो डिपार्टमेंट के 8 लोगों के हेड हो गए, इसको कहते थे आठ प्रधान हिंदी में कहते हैं, अष्ट प्रधान सिस्टम इसको इंग्लिश में भी कहते हैं। तो देखते हैं ये अष्ट प्रधान सिस्टम था क्या। तो देखिए, अष्ट प्रधान सिस्टम क्या होता था, पेशवा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यानी कि पेशवा को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, उससे पहले पेशवास कहते थे। तो आप कभी भी वीडियो के अंदर पेशवा नाम है तो समझ लीजिए वो प्राइम मिनिस्टर था, जो कि पूरा लीड करता था एडमिनिस्ट्रेशन को, किंग को रिप्लेस कर देगा पेशवा। तो पेशवा क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, PM होते थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे, सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड भी होते थे दोनों के, राइट। तो ये सिर्फ आपको जब NCERT आप पढ़ेंगे तो खाली आपको PM नज़र आएगा या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर नज़र आएगा। तो आप ये सब चीज़ें अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे या फिर रिसेंट में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सारे नौबत क्या होता था, आर्मी फोर्सेज जितने भी होते थे ना, नेवल हो गए, एयर हो गए, उनके हेड होते थे, चीफ होते थे।
अमात्या जो अमात्या या फिर मजूमदार जिसको कहते थे, फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखते थे। तो देखिए फाइनेंस का जो है ऑडिट करने का काम पीएम भी करता था और अमात्या भी करता था। सचिव सुरानवीस या चितनीस, ये एक ही है, एक ही का तीन नाम है, चितनीस सुरानवीस और सचिव, ये तीनों का अलग अलग क्वेश्चन भी आया हुआ कई पेपरों में। SSC CGL में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, MPPCS में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्या होते थे, रॉयल कॉरेस्पोंडेंट्स होते थे। दाबिर, ये देखो दाबिर से भी क्वेश्चन पूछा, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ। तो दाबिर से, दाबिर को सुमंत भी कहते थे। ये देखिए फॉरेन अफेयर एंड रॉयल सेरेमनीज वगैरह हेल्ड होते थे, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे। तो जितने एक्सटर्नल पॉलिसीज बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, बाहर कौन जाएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर ध्यान देखना, ये दाबिर सुमंत ध्यान देते थे। मंत्री वाकला नवीस, ये देखिए तीन नाम है, मंत्री वाकला नवीस, इन तीनों का मतलब एक ही है। ये इंचार्ज होते थे रिकॉर्ड्स के, प्राइवेट अफेयर्स ऑफ किंग, यानी किंग के जो प्राइवेट अफेयर्स वगैरह होते थे, किसी रिलेशन वगैरह को लेके, ये सब मैनेज करते थे, अकाउंट वगैरह किंग का मैनेज करते थे। तो न्यायाधीश, न्यायाधीश तो हिंदी का वाक्य है, वर्ड है, तो आप ध्यान दीजिए, जस्टिस का मतलब न्यायाधीश। और पंडित राव, पंडित राव का मतलब है रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड, यानी कि पंडित का मतलब जो रिलीजियस प्रिस्ट वगैरह है उनसे डिपार्टमेंट देखेंगे, मंदिर वगैरह देखेंगे। देखिए तो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन इतना चर्चित क्यों रहा है इतिहास में, क्योंकि उन्होंने प्रोविंस को परगनास में डिवाइड किया था और विलेज में डिवाइड किया था। ये तो आपने मुगल्स वगैरह में पढ़ लिया, असुर डायनेस्टी में पढ़ लिया होगा, आई होप कि आपने पढ़ा होगा चैनल पर जाके। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जागीर सिस्टम को एबॉलिश कर दिया और सैलरी में कैश देना स्टार्ट कर दिया। जागीर सिस्टम को तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी एबॉलिश कर दिया था, और वो भी कैश में पेड करता था सैलरी एम्प्लॉयज़ को। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय है, वंशानुगत व्यवसाय है, कि जो बेटा, बाप जो मंत्री है तो बेटा भी जो है मंत्री ही बनेगा कोर्ट के अंदर, पर ऐसा नहीं था। ये क्वालिफिकेशन के ऊपर मंत्री बनना या किसी को पद देना, क्वालिफिकेशन के ऊपर शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वर्क होता था, यानी कि यहाँ पर बकायदा रिक्रूटमेंट होता था, रिक्रूटमेंट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर होता था। तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने मार्क किया हुआ है, और ये आपको NCERT में मिल जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, तो जुडिशियल सिस्टम इनके यहाँ पर एंशियंट हिंदू लॉ के ऊपर बेस्ड था, पुराने लॉज थे, पंचायत वगैरह सेटल डिस्प्यूट वगैरह करता था पंचायत। देखिए पंचायत सिस्टम भी इन्होंने जो है लागू किया था, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है, ये भी एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया होता है कि पंचायत सिस्टम कौन लागू किया था, तो शिवाजी के अंडर में था। टैक्स सिस्टम देखिए, आई होप कि ये आपने नाम सुना होगा, चौथ और देशमुखी टैक्स का नाम आपने सुना होगा। तो चौथ टैक्स होता था 1/4, जब लैंड रेवेन्यू जो होता था, किस लिए होता था, तो ताकि किंग जो मराठा किंग है वो बाहरी आक्रमण से किसानों को, पीजेंट्स को, फार्मर को बचाए रखे, इसलिए चौथ दिया जाता था, किसान जो है किंग को चौथ देता था, एज अ प्रोटेक्शन मनी आप कह सकते हो। देशमुखी टैक्स 1/10 होता था, हेरिडेटरी क्लेम द मराठास लैंड, इसका मतलब ये हुआ कि मराठा क्लेम करते थे कि आप जो जिस खेत में क्रॉपिंग कर रहे हैं, आप जिस खेत को आप जोत रहे हैं और उसे उसमें आप खेती कर रहे हैं, तो वो मराठा के अंदर आता है, मराठा किंगडम के अंदर आता है, तो हमारा वंशानुगत हक है, यानी कि किंग कहता है कि वो हमारे खेत हैं और आप उसके ऊपर खेती कर रहे हैं, तो आप 1/10 जो है उसका रेवेन्यू हमें देंगे, इसको कहते हैं देशमुखी टैक्स। मराठा के अंदर हम पढ़ेंगे महासंघ हुए, पाँच महासंघ, इंग्लिश में बोले तो पाँच मराठा कॉन्फेडरेसी, इसके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ के कौन कौन रूलर थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशवास यहाँ पर हुआ करते थे, यानी कि PM यहाँ का हुआ करते थे, और ये क्या क्या इन्होंने रोल निभाया देश के अंदर, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए मराठा कॉन्फेडरेसी, जो मराठा का महासंघ था, यहाँ पर एक राजपूत की अलग अलग जातियाँ आप कह सकते हैं, जैसे कि उनका सरनेम आप बता सकते हैं। देखिए पेशवा जो है पूना के अंदर थे, गायकवाड़ जो है बड़ौदा के अंदर गुजरात वाला एरिया, भोसले जो थे नागपुर में रूल कर रहे थे, होलकर जो है इंदौर में रूल कर रहे थे, और सिंधिया, सिंधिया जो ग्वालियर में, अभी आपने राज सिंधिया वगैरह का नाम आपने सुना होगा, एज अ पॉलिटिक इन पॉलिटिक्स में तो आपको पता होगा। तो पेशवा का मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर, आपको पहले मैंने बता दिया। तो पेशवा जो है 1713 से लेकर 1718 तक रूल करते हैं,
उससे पहले जो है किंग रूल करते थे शिवाजी, शिवाजी के बाद संभाजी। तो सबसे पहले जो पेशवा हुए वो बालाजी विश्वनाथ 1713 में पहला पेशवा बने साहू के अंडर। अब ये साहू कौन थे तो वो हम देख लेते हैं। देखिए शिवाजी के सक्सेसर संभाजी हुए, आपको तो पता है। फिर उन्होंने जो है अपॉइंट किया एडवाइज़र कलश को, संभाजी ने कलश को एज एडवाइज़र अपॉइंट किया अपने कोर्ट के अंदर। फिर इन्होंने क्या किया, युद्ध लड़ा किसके साथ, मखर्रम खान मुगल कमांडर, जो कि किसका कमांडर था, औरंगजेब का कमांडर था, तो मखर्रम खान से युद्ध लड़ा संभाजी और कलश दोनों जो है 1689 में मारे गए, राइट। तो जब संभाजी और कलश जब मारे गए, फिर उसके बाद जो राजा राम भी किसके बेटे थे, तो वो भी शिवाजी के बेटे थे, वो सक्सेसर बनते हैं, मराठा के ऊपर बैठते हैं। बट 1689 में 17 में उन्होंने कैपिटल बनाया और वो मर गए। किस बैटल में, मुगल से 1700 में बैटल किया और वहीं पर वो ढेर हो गए, ख़त्म हो गए। तो फिर हुआ क्या कि उनकी जो वाइफ है, अब जिनका नाम ताराबाई होता है, अपना सन को जिसको शिवाजी सेकंड के नाम से जानते हैं, देखिए उनका सन है शिवाजी सेकंड के नाम से, उसको जो है गद्दी पे बैठाती हैं, जो कि 4 साल का होता है, उसका कोरोनेट करती हैं और उसे गद्दी पे बैठाती हैं। और 17 में कैपिटल रहता है, पहले रायगढ़, शिवाजी के टाइम पे कहाँ कैपिटल था, तो रायगढ़ था, आपको मैंने शुरुआत में बता दिया। तो इन्होंने कैपिटल 17 शिफ्ट करके वहीं पर शिवाजी 4 साल की उम्र में शिवाजी सेकंड को वो गद्दी पे बैठाती है और उनके बिहाफ पे वो रूल करने लगती है ताराबाई। जब 1707 में औरंगजेब का डेथ हो जाता है तो साहू जो है वो बंदी बने रहते हैं भोपाल के अंदर, तो वहाँ से वो भाग आते हैं और भागने के बाद ताराबाई से युद्ध करते हैं, जिस युद्ध का नाम होता है बैटल ऑफ खेड़ा 1707। ये साहू वर्सेस ताराबाई, उनकी भाभी कह सकते हैं, भाभी जो उनसे युद्ध करते हैं ये, और ये जीत जाते हैं युद्ध में और ये एज अ रूलर स्टार्ट करते हैं किंगडम दोबारा से रूल करने के लिए। तो यही थे कहानी साहू का, यही कहानी साहू का था जिसके अंडर में बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने थे। बाजीराव सेकंड की हम बात करते हैं, तो बाजीराव सेकंड में देखिए ये सेकंड पेशवा हुए, यानी कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर हुए। ये गोरिल्ला वारफेयर बहुत अच्छे से जानते थे, छुप के वार करना और पहाड़ियों में से वार करना शिवाजी के बाद। देखिए सबसे फेमस जो है शिवाजी गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक जो है शिवाजी जानते थे। उसके बाद जो है बाजीराव सेकंड का आपने फर्स्ट का नाम आपने नाम सुना होगा। इन्होंने कई बार निज़ाम उल मुल्क को दो से तीन बार इन्होंने हराया है। इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था पुर्तगीज कैप्चर को लेके, कहाँ पर, तो सेलसेट और बेसिन जगह पे। तो ये भी सक्सेस उसमें भी रहे थे, क्यों, क्योंकि इनको नॉलेज था पहाड़ों में कैसे युद्ध करना है, कैसे भागना है, कैसे उठना है और किधर क्या ये सुरक्षित किधर रह सकते हैं, इनको सब पता था। बट पुर्तगीज़ को नहीं पता था, पुर्तगीज़ इंडिया में तो नए आए हुए थे। कैंपेन अगेंस्ट द सीदीस और जंगीरा, तो सीदीस और जंगीरा के अगेंस्ट भी कैंपेन के रूप से जीत गया। प्रोपोंडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू एंड पदशाही रियल आर्किटेक्ट ऑफ मराठा इनको कहा जाता है, यानी कि ये असली में जो है मराठा को स्टेबल करते हैं। और इन्होंने पद हिंदू पदशाही एक कॉन्सेप्ट निकाला, राइट, जो हिंदुओं को ज़्यादा क्या करते हैं वैल्यू देते हैं उस समय पर। देखिए बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब इनके ऊपर एक मूवी बनी है बॉलीवुड की, आप देख सकते हैं, थर्ड पेशवा ये कहलाते हैं और ये एक मराठा के प्रोमिनेंस पेशवा कहलाते हैं। मतलब इनमें कॉन्क्वेस्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा किया और ये लेटर किंग बन गए, यानी कि पेशवा से ये प्रमोट हो गए, किंग बन गए साहू के डेथ के बाद। साहू जैसे मरते किंग बन जाते हैं। इन्होंने अपना कैपिटल किंग बनते ही 17 से जो पुणे को ट्रांसफ़र कर लिया और इन्होंने बंगाल को इन्वेड किया। बंगाल को जब इन्वेड कर रहे थे, उड़ीसा को इन्होंने पूरी तरह से जीत लिया और फिर उसके बाद इन्होंने इमाद उल मुल्क को हेल्प किया वजीर बनने के अंदर। अब इसकी कहानी अलग हो जाती है। देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से मूवी बनी है और मैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ बता सकता हूँ। अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर जीत जाता है और किसके साथ युद्ध होता है, तो बालाजी बाजीराव सेकंड, जो कि
डेड हो जाता है, वो मर जाते हैं। यहाँ पर कमांडर चीफ थे सदा शिव राव, और आर्टिलरी चीफ जो थे इब्राहिम खान गर्दी। ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये देखिए अहमद साहब दाली जो रोहिलास के साथ संरक्षण में था, वो रोहिलास उनको प्रोटेक्शन दे रहा था, प्लस आर्मी दिया था उसने रोहिला में। उस समय पे कौन थे किंग, तो नजीब उ दौला थे, और अवध का शुजा उद्दौला भी इनको सपोर्ट कर रहा था अहमद साहब दाली को, जिसको दुरानी एम्पायर भी कहते हैं। दुरानी एम्पायर का कौन था, अहमद साहब दाली था। जो फोर्थ पेशवा था वो थे माधवराव, जिन्होंने हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिता थे उनको क्या किया था, हरा दिया था युद्ध में। तो इसके बाद जो है बहुत सारे युद्ध होंगे, एंग्लो मराठा वार होगा, एंग्लो मराठा वार थर्ड होगा, सेकेंड होगा, फर्स्ट होगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, किसके कारण एंग्लो मराठा वार स्टार्ट होता है, तो नारायण राव, यहाँ पर नारायण राव रघुनाथ राव पावर में आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद पावर होता है। तो देखिए आपस में इनका पावर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पावर, वैसे 10 पेशवा हुए लेकिन इम्पोर्टेंट जो है 3-4 इम्पोर्टेंट है। तो नारायण राव आते हैं पेशवा बनते हैं, बट यहाँ पर रघुनाथ राव जो होते हैं वो इनसे जलते हैं नारायण राव से। तो रघुनाथ राव को जो ब्रिटिश होते हैं वो मदद करते हैं, कहते हैं कि भैया तुम्हें हम पेशवा बना देंगे, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम जो है नारायण राव को गिराओ सत्ता से। तो आगे देखते हैं कहानी कैसे पलटता है, ब्रिटिश ने हेल्प किया और फिर ब्रिटिश भी पूरे मराठा साम्राज्य को ख़त्म भी कर देगा। तो इन्हीं के टाइम पे एंग्लो मराठा वार 1775 से 1742 के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। कहाँ पर लड़ा जाता है, पुणे को वहाँ लड़ा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हार जाती है और मराठा यहाँ पर जीत जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करने वाले कौन होते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है लीड करते हैं, और मराठास को लीड करते हैं महादजी शिंदे प्लस नाना फडणवीस और माधवराव। देखिए यहाँ पर माधवराव लीड कर रहे हैं और साइन करते हैं सालाबाई की ट्रीटी। कौन ट्रीटी साइन करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मराठा सालाबाई की ट्रीटी साइन करते हैं, और सूरत की ट्रीटी भी साइन करते हैं, जो कि पुरंदर के पास वाली जगह होती है सूरत की ट्रीटी, क्योंकि इससे पहले वो पुरंदर ट्रीटी जो है साइन कर चुके थे औरंगजेब से। फिर सेकेंड टाइम जो है मराठा एंग्लो वार होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बाजीराव सेकेंड जो थे वो रघुनाथ राव के बेटे थे। यहाँ पर रघुनाथ राव 10th पेशवा थे, तो ये 11th पेशवा हुए बाजीराव। तो यहाँ पर एंग्लो सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है 1803-1805 के बीच में। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाती है, मराठा जो है यहाँ पर लूटे जाते हैं पूरी तरह से, मराठों को लूट लिया जाता है। जो भोसले थे नागपुर के वो भी पूरी तरह से लूट जाते हैं, और लेड करने वाले थे दौलत सिंधिया, ये धोखा दे देते हैं बीच में वार के बीच में, और रघोजी भोसले ये यहाँ पर मर जाते हैं। आर्थर वेलसेली जो यहाँ पर हैं वो लीड कर रहे हैं, और जिराड लेक जो है लीड कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछा हुआ है और हर बार पूछ देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है हिस्ट्री का, आप सभी को तो पता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पूछ ही देता है। और जब ये जीत जाने के बाद कौन से ट्रीटी साइन करते हैं, तो ट्रीटी साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ देवगांव की ट्रीटी साइन करते हैं। ये देखिए मैंने आपको ट्रीटी भी बता दिया, साथ ही साथ ट्रीटी भी बता रहा हूँ, और किसके रेन में युद्ध हो रहा था वो भी बता रहा था, ताकि आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़े कि मराठा एंग्लो वार 1, 2, 3 आप पढ़ रहे हैं, फिर सोच रही है किसके रेन में हुआ, ये किसके रेन में हुआ, तो वो रट्टा वाली बात हो जाती है यहाँ पर। देखिए मैंने जैसे बताया कि रघुनाथ राव को ब्रिटिश ने हेल्प किया सत्ता में आने के लिए, और उसके बाद जो ब्रिटिश जो पूरी तरह से डोमिनेट कर जाएंगे मराठास को। तो देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में तीसरा मराठा एंग्लो वार होता है 1816 से 1820 के बीच में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाती है, उसको लीड कर रहे होते हैं। तो हेस्टिंग्स जो फ्रांसिस रॉडवेन हेस्टिंग, ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, आप जो कन्फ्यूज मत होइएगा, और लीड यहाँ पर कर रहे थे पेशवा बाजीराव सेकेंड, राइट। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट होता है कि पेशवा का पोस्ट ख़त्म कर दिया जाता है ब्रिटिश के बाद, और ब्रिटिश जो है मराठा किंगडम को पूरी तरह से डोमिनेट कर लेती है, और मराठा का डाउनफॉल भी हो जाता है। तो मराठों का डाउनफॉल होने का कारण क्या था, सबसे पहला कारण था मिलिट्री लॉसेज। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री का लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, लीडर्स मारे गए, जो मेन लीडर्स थे वो सब मारे गए थे। और थर्ड जब मराठा एंग्लो वार हुआ तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लॉस ब्रिटिश इंडिया ने इनको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने किया। पॉलिटिकल डिवीज़न की बात करें तो मराठा किंगडम जो था वो बहुत सारे 5 कॉन्फेडरेंसी में बंटा हुआ था, आपको जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। तो उन कॉन्फेडरेसी का अपना सरदार होता था,
तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे किंगडम अपनी अथॉरिटी बनाने स्टार्ट कर दिया और छोटा छोटा किंगडम जो है एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया और वो मराठा से अलग होने लगे। यही कारण था कि मराठा जो है टूट गए पूरी तरह से, पॉलिटिकल डिसयूनिटी बहुत ज़्यादा आ गई। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए चौथ और सरदेश मुखी लेते थे, तो ये बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते थे टैक्स। और ये जब नया एरिया एक्सपेंशन करते थे, एक्सपेंड करते थे, कॉन्क्वर्ड करते थे, तो उस पर ध्यान नहीं देते थे कि वहाँ कुछ इम्प्लीमेंटेशन नया नया करना है, तो वो फोकस नहीं करते थे किसी भी चीज़ को बढ़ाने में और रिफॉर्म वगैरह नहीं करते थे, तो इस कारणवश मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो है गिर गया। वीक डिप्लोमेसी का कारण भी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का गिरना था। इसमें क्या था कि ये राजपूत और सिख से और जाट वगैरह से बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट लिया करते थे और इनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाते थे सिख और राजपूत के ऊपर। तो इससे क्या पता चलता है, वीक डिप्लोमेसी थी, यानी कि जो रिलेशन थी अलग अदर राजपूत हो गए चाहे सिख हो गए चाहे जाट, उनसे रिलेशन ख़राब थी, तो नॉर्थ इंडिया से भी इनको सपोर्ट नहीं मिलता था। तो जब नॉर्थ इंडिया से सपोर्ट नहीं मिलता था तो ब्रिटिश ने वैसे ही मुगल्स ने भी इनको हानि पहुँचाई, फिर उसके बाद ब्रिटिश ने भी इनको हानि पहुँचाई, किसी ने इनका साथ नहीं दिया। तो वीक डिप्लोमेसी के कारण किसी ने इनका साथ नहीं दिया, तो यहाँ पर मराठास को जो है डाउनफॉल हो गया। तो आई होप कि आपको ये मराठास का पूरा सब कुछ प्री प्लस मेंस का चीज़ें क्लियर हुआ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे और किस चीज़ में चेंजेस करना चाहिए। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।